आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुझे विवाह मूवी कैसे मिली, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ उसमें, और आगे आने वाले वीडियोस में फ्रेंड्स ये भी शेयर करूँगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे कैसे मिला, और बहुत सारे शोज़ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस। हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड। तो फ्रेंड्स, ये बात है 2005 की, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि 2006 में तो रिलीज़ हुई थी, एक साल लगा था बनने को। तो मैं वो रहने वाली महलों की, जो राजश्री प्रोडक्शंस का सीरियल था, उसकी शूटिंग कर रही थी। उसकी भी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो सीरियल मुझे कैसे मिला था। इनफैक्ट आज ये कहानी जो मैं, मतलब जो मेरी रियल लाइफ स्टोरी है, ये शेयर करने जा रही हूँ विवाह मूवी के बारे में, इसलिए क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग है। इससे भी आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी और मुझे मेरी लाइफ में भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली। तो मैं शूटिंग कर रही थी वो रहने वाली महलों की सीरियल में, और मैं अपना काम जो है शुरू से ही ये मानती हूँ कि जो भी रोल दिया जाए उसे बहुत ही सिंसियरली करना चाहिए, एकदम पूरे मन से करना चाहिए, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। अच्छा, आप जानते होंगे उसमें मैं मेन लीड नहीं थी, बल्कि थोड़ा सा अगर आपने देखा हो वो सीरियल तो मेरा नेगेटिव शेड था, जो कि बाद में पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन तो मैं अपनी बहुत मन से जो है, जो कैरेक्टर मुझे मिला था बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी मेन लीड नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो रोल मुझे मिला है बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं इसी को अपने पूरे मन से काम करूँगी इसमें, क्योंकि वैसे ही देखिए राजश्री प्रोडक्शंस का इतना नाम है, उनके साथ उनके सीरियल में भी काम करने का मौका मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे याद है हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और एक बार क्या हुआ कि ऐसे एक इंटरव्यू चल रहा था, जिससे वो प्रेस वाले आते हैं ना, जब नया सीरियल शुरू होता है तो सबके इंटरव्यूज़ लेते हैं, उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम शालिनी था, आई स्टिल रिमेंबर। तो इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है काम करके, तो मैंने उनसे बोला प्रेस में, मतलब मैंने बोला कि इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, मतलब ये तो बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है कि मैं राजश्री प्रोडक्शंस के सीरियल में काम कर रही हूँ। उसमें इतनी प्यारी प्यारी कॉस्ट्यूम्स मुझे दी गई थी, इतने अच्छे डायलॉग होते थे, इतना अच्छा सब कुछ था, मतलब अनफॉरगेटेबल, बहुत अच्छा माहौल था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, और मेरी ड्रेसेस, मेरे जो है टैटू बनाती थी एक उसमें मैं, और हेयर स्टाइल सब बहुत अच्छे हुआ करते थे, बहुत स्टाइलिश हुआ करते थे इनफैक्ट। तो मैंने पूरा डिफाइन किया कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मतलब मुझे इसमें काम करने को का मौका मिला है। तो ऐसे ही प्रेस वाले ने पूछ लिया मुझसे, रिपोर्टर ने पूछ लिया मुझसे कि अगर आपको उनकी मूवी मिल जाए तो। तो मैंने बोला कि अरे मैं जब सीरियल करके उनका इतनी खुश हो रही हूँ, इतनी खुश हूँ, तो आप सोच सकते हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। एंड बिलीव मी, वर्ड्स हैव पावर। इसीलिए बचपन से आपने सुना होगा ना, मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं, मैं भी अपने बेटे को बोलती हूँ, वर्ड्स हैव पावर, अच्छी अच्छी बातें बोलो, मुंह पे सरस्वती कब बैठी हो, बात कब सच हो जाए ये नहीं पता होता हमें। और इसी तरह मेरी भी जबान से निकली हुई बात सच हो गई। मतलब अचानक एक दिन मुझे ऑफिस से फ़ोन आया और पूछा गया कि एक कैरेक्टर है, मूवी बना रहे हैं सूरज जी, आप उसमें करोगे? तो मैंने कहा करोगे मतलब, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा डेफिनेटली, उन्होंने बोला टेस्ट लेना है, एक लुक टेस्ट लेना है ऑडिशन जैसा, तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली। तो फिर मैं वहाँ ऑफिस में गई और सब लोग थे, तब राजबाबू भी थे, सब लोग थे वहाँ पर, सब बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, मुझे बड़ी डिटेल में रोल समझाया गया। और मैं आप लोगों को सच बताऊँ, मैं थोड़ा नर्वस भी थी, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर के सामने, सूरज जी के सामने, उनके फादर के सामने बैठ के थोड़ा सा मन में डर भी लग रहा था, लेकिन मैं डर मतलब इन द सेंस कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी एक्चुअली मेरे अंदर कि अरे वाह मुझे क्या मिल गया, और फिर भी लेकिन ऐसा लग रहा था कि श्योर हो जाए मुझे ही मिलेगा तब मैं ज़्यादा खुश होंगी। तो अंदर दबाई थी खुशी मैंने अपनी सारी, और उसके बाद जो था, जैसे उन्होंने सब समझाया, तो आई वॉज लाइक कि मुझ पर तो भगवान की कृपा हो गई, मतलब मैं वैसे ही यूनिवर्स और जो है एनर्जीज़ में, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में बहुत शुरू से बिलीव करती हूँ। तो मैंने कहा अरे वाह ये तो कमाल हो गया, कितना अच्छा रोल मुझे मिल रहा है, लेकिन फिर भी फाइनल हो जाए एक बार। तो उसके बाद फिर बारी बारी दो चार मीटिंग हुई, लुक टेस्ट वगैरह हुआ, पूरा ये सब हुआ, और मैं फाइनलाइज हो गई। लेकिन जो इसमें सीखने वाली बात, जो मैं बोल रही हूँ इंस्पायरिंग बात, ये है कि कब जो है हमारे मुंह से निकली हुई बात सच हो जाए हमेशा, इसलिए हमें जो है पॉजिटिव चीज़ों को जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये अगर नहीं कुछ और भी बताना है कि मैं किस शॉट से सेलेक्ट हुई, मतलब कैसे सेलेक्ट हुई एग्जैक्टली किस शॉट से, वो रहने वाली महलों की मैं था
वो शॉट। अच्छा फ्रेंड्स, उसके पहले एक बार बता दूं, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं मेरी लाइव जर्नी, मेरे चैनल पे अगर आप देखना चाहते हैं फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कॉमेंट भी कीजिए। ओके, तो फिर बाद में एक दिन मुझे सूरज जी ने बताया, जब शूटिंग शुरू हो गई थी या नहीं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कि उन्होंने मुझे एक शॉट दिखाया। वो रहने वाली महलों का एक शॉट था जिसमें कुछ हल्दी का सीक्वेंस चल रहा था और मैं भी खड़ी थी, जैसे मतलब कुछ 10-12 या 15 आर्टिस्ट होंगे, सब खड़े थे और एक कुछ हंसने का सीन था और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से खुल के हंस रही थी। वो शॉट था और मतलब वो स्प्लिट सेकेंड का वो हंसी का शॉट था, बिलीव कीजिए 10-15 लोगों में खड़े होके था। तो उस शॉट से उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने बोला यहाँ जो तुम्हारी हंसी थी उस वजह से मैंने तुम्हें लिया है। एंड आई वॉज सो सरप्राइज। पहली बात तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि वो इतने शार्प हैं कि उतने लोगों में जो है, इतने लोगों के सीन में उन्होंने मेरी वो हंसी देख ली। दूसरी बात मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि रोल चाहे जो भी मिले, कैरेक्टर चाहे जो भी मिले, उसे पूरे मन से करना चाहिए। जब हम पूरे मन से करते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि मेरे लिए जो है मेन लीड नहीं था वो रहने वाली महलों की, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, एक छोटा सा सीन था। अगर हम छोटा सा सीन भी, ये स्पेशली मैं एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए, एस्पायरिंग यूट्यूबर्स के लिए भी बोल रही हूँ, कि अगर छोटा सा कुछ हम करते हैं उसमें भी हम पूरी अपनी जान डाल देते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नोटिस ज़रूर होती है, कोई ना कोई उसे नोटिस ज़रूर करता है, क्योंकि हम जो पॉजिटिविटी जो मन से काम कर रहे हैं वो यूनिवर्स में डाल रहे हैं और वही फ़ायदा हमें जो है, मतलब वही चीज़ हमारे पास वापस आती है। So this was one shot from which I actually got selected for Viva movie and बहुत 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 लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है। और एक्चुअली बताऊँ तो मेरी पहचान भी जो है वहीं से मिली है। बिग ग्रैटिट्यूड टू राशि प्रोडक्शंस एंड बिग ग्रैटिट्यूड टू एवरी वन। बहुत साल बाद ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ हालांकि मैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आप मेरी और सारी किस्से सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट।